जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं एग्जिस्ट लोकेशन पे दिखाने वाला हूँ और जाने वाला हूँ, तो वो लोकेशन कहाँ का है और क्या दिखाने वाले हैं, तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ उस वीडियो में और उस लोकेशन पे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, अभी दिखाते हैं शानदार लोकेशन जो कि अभी हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है। अभी आप लोगों को दिखाए नहीं, फिलहाल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको देख लीजिए, फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जस्ट यही फूल जो कि कितना सुंदर देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ एक पेड़ है, इसी कारण से अभी बहुत सारा पेड़ है जो कि आगे की ओर है, तो उधर भी जाके आपको दिखाने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ देख सकते हैं, अभी स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं फिलहाल नज़ारा, शानदार नज़ारा, तो वीडियो बने रही है। फिलहाल हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेड़ की ओर, तो चलिए चलते हैं। के फ्रेंड आप लोगों ने देखा कि वहाँ एक ही पेड़ था, तो चलिए अभी लेके जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, सेम वही पेड़ और सारे में फूल खिले हुए हैं जो कि अभी के मौसम में खिले हुए होते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल देख सकते हैं, मैं जस्ट यहाँ से नीचे उतरा जो कि यहाँ खाई जैसा है, यहाँ देख सकते हैं चारों बगल किस प्रकार से, यहाँ दिखा देते देख सकते हैं। जस्ट हम ऊपर से नीचे में आए, तो चलिए आपको यहाँ से शानदार नज़ारा दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ देख सकते हैं कितने सुंदर फूल देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इससे कलर भी बनाया जाता है। तो फिलहाल यहाँ से हम दिखा देते हैं, तो चलिए वीडियो बने रहिए। तो चलिए यहाँ देख सकते हैं पीछे से एक और उधर साइड में है जो कि आपको अच्छे से कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बैक कैमरे से आपको बेहतरीन तरीके से दिखाएंगे, तो वीडियो बने रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... फ्रेंड आप लोगों ने तो शानदार नज़ारा देख लिया है, फिलहाल आप लोगों को तो मैंने दिखा दिया। यहाँ मेरे पीछे साइड में देख सकते हैं कितने सारे पेड़ हैं जो कि यही पेड़ है, सेम पेड़, और सब में रेड कलर का फूल खिला हुआ है जो कि काफ़ी सुंदर बेहतरीन नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देख सकते एक समय था कि यहाँ वीडियो शूट के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग आते थे पिछले ईयर जब लॉकडाउन पड़ने से पहले, तो फिलहाल अभी तो नहीं आए हैं बहुत दिन से। तो आप लोगों ने तो देख लिया है शानदार नज़ारा, तो चलिए थोड़ा सा फूल का नज़ारा हम तोड़ के दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ से फिर घर के ओर निकलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं जस्ट हम आ चुके हैं, यहाँ देख सकते हैं फूल के पेड़ के पास। तो यहाँ देख सकते हैं ये रहा फूल जो कि अभी मेरे साइज में है, तो यहाँ देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। तो यही फूल है, इसका कलर भी बनाया जाता है, यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सुंदर नज़ारा है फूल का। तो तोड़ लेते हैं थोड़ा बहुत, तो ये देखिए मेरे हाथ में है। तो फ्रेंड आप लोगों ने तो देखा है फूल का नज़ारा काफ़ी सुंदर, और कलर तो इसका बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन कलर है जो कि ये फिलहाल यही मौसम में देखने को मिल जाता है। लगभग होली स्टार्टिंग में, होली आने वाला होता है तो उस टाइम से ये फूल खिलना चालू हो जाता है, जो कि अभी तक पूरा सारा पेड़ में नहीं खिला है, बहुत सारा पेड़ बचा हुआ है जिसके कारण से नहीं दिखा, लेकिन एक समय था कि काफ़ी सुंदर देखने को मिल जाता था क्योंकि सारी पेड़ एक साथ फूल को, मतलब फूल खिलता था सारे पेड़, जिसके वजह से यहाँ शूटिंग वगैरह सारा चीज़ होता था। तो
चलिए फिलहाल आप लोगों ने तो शानदार नज़ारा देख लिया, आप लोगों को तो पता नहीं होगा क्या क्या पेड़ है। तो यह पेड़ है, तो फ्रेंड ये कौन सा पेड़ है और इसका इस पेड़ का नाम क्या है, तो आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम सबको रिप्लाई देंगे। और आप लोग अनुमान लगाइए कि यह कौन सा पेड़ हो सकता है, इस मौसम में कौन सा पेड़ का फूल खिल सकता है। और यहाँ देख सकते हैं यह फूल जो कि रेड कलर का है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड आप लोगों ने तो शानदार नज़ारा देख लिया, तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट प्लेस के साथ और इन्जॉय के साथ। तो बाय, टेक केयर फ्रेंड, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में कल सुबह। तो बाय, टेक केयर।